हेलो दोस्तों, गंगा कुकिंग रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा करी की सब्जी। अंडा करी की सब्जी मेरे घर में बहुत पसंद करते हैं, आप भी बनाइए इस तरीके से, आपके यहाँ भी सबको बहुत पसंद आएगी। तो अंडा करी बनाने के लिए हम सबसे पहले प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को मिक्सर में पीस लेंगे। इसके बाद एक बर्तन में पानी डालेंगे। पानी के अंदर हम थोड़ी से पालक और हरा धनिया को उबाल लेंगे। अब इसी मिक्सर में हमें टमाटर काट के टमाटर की प्योरी तैयार कर लेंगे। और देखिए, ये हमारे टमाटर पीस के हो गए तैयार। अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमारा पालक और जो हरा धनिया हमने उबालने के लिए रखा था, बिल्कुल थोड़ा सा उबालना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसे, ये अब हम एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेंगे। और ठंडा होने के बाद इसे भी हम मिक्सर में पीस लेंगे। ये मिक्सर में हमारा पालक और धनिया पिसा चुका है, ये हमारी सारी चीज़ें तैयार कर ली हमने। अब इन अंडे, ये बाउल किए हुए अंडे हैं और इन अंडों में कट लगा लेंगे ताकि इन्हें हम फ्राई करें तो ये छिटे ना उड़ाएं। एक बर्तन में हम तेल गरम कर लेंगे। तेल के अंदर एक एक करके, ज़्यादा गरम नहीं करना है इसे, मैंने बहुत थोड़ा गरम करा ताकि छिटे नहीं हो। बस इन्हें लाल होने तक हम फ्राई कर लेंगे। ये अंडे हमारे देखिए कितने अच्छे लाल सुनहरे हो चुके हैं। अब इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसी तेल में अब हम डालेंगे जीरा। ये मैं डाल रही हूँ तेजपान पत्ता, काली मिर्च। आपके पास खड़े मसाले में और भी कुछ हो तो आप डाल सकते हैं, जो आपको स्वाद में पसंद हो। मेरे पास ये अवेलेबल था, मैंने यही डाला है। और इसे हम चलाएंगे थोड़ा सुनहरा होने के बाद में। जो हमारा मसाला पिसा हुआ था, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसे पकाने में हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, जब तक तेल छूटता है जब तक हम इसे चलाते हुए पकाते रहेंगे। अब इधर हम जो हमने अंडे फ्राई करके रखे थे उन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसके अंदर थोड़ी हल्दी और थोड़ी मिर्च करके हम इसे ढक के रख देंगे। इधर हम अंडों को ढक के रख देंगे और हमारा मसाला इधर तैयार हो चुका है। इसके अंदर हम टमाटर की प्योरी जो हमने तैयार करके रखी थी वो ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से पका लेंगे। दोस्तों, आप अंडा करी की सब्जी बनाकर देखिए और अपने परिवार के साथ इंजॉय कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। हमने जो पालक और धनिया बाउल करके रखा था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी थोड़ी देर चलाते हुए पकाना है। मसाला देखिए जितना दिखने में अच्छा लग रहा है उतनी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी इसकी। और खाने में तो आप खाइएगा फिर बताइएगा। तो इसी में हम ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल के अब इसे हम पका लेंगे। और पकाने के बाद में इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक डाल के फिर इसे अच्छे से चलाएंगे हम। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे घर की मलाई, ताजी मलाई डालना है इसमें हमें। और इसे अच्छे से हम चला लेंगे, पूरी तरह से मिला देना है इस मसाले में मलाई को। यह हमारी मलाई अच्छे से मिल चुकी है। और इसके बाद देखिए आप मसाला कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसे एक उबाल आने तक हम पका लेंगे। देखिए ये एक उबाल आ चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे हमने जो बाउल किए हुए अंडे रखे थे, ये अंडे ऐड कर देना है। ये हमारी अंडा करी हो गई है तैयार। और इसकी ग्रेवी आपको कैसी रखनी है आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। और देखिए ये हमने हरा धनिया डाल के गार्निश कर दिए। देखिए ये हो गई है तैयार। तो आप बनाइए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।